खबर मधुबनी जिले के खीरा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां शादी की झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। खीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शादी की झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के खनुआ टोला निवासी रमेश कुमार महतो से करीब एक वर्ष पूर्व से फोन पर बातचीत होती थी। बातचीत शुरू होने के महज कुछ ही दिनों बाद वे मुझे शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने लगा। इसी दौरान विगत 1 मार्च रात करीब 10 बजे मेरे घर आया और शादी करने की शर्त पर मुझे अपने घर लेकर चला गया। रात घर में रखने के बाद सुबह करीब 4:30 बजे युवक का पिता दिनेश महतो, भाई महेश महतो समेत परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा गाली गलौज करते हुए यह कहकर भगा दिया गया कि तुम नीच जाति से हो, इसलिए शादी नहीं होगी। इसके बाद मैं अपने घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि विगत 22 मार्च को उक्त युवक के फुआ का लड़का जिरोल गाँव निवासी शंभू महतो ने घर आकर मुकदमा नहीं करने की धमकी दी। इस बाबत थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरजी बिहार न्यूज के लिए मधुबनी से गोपाल राजा की रिपोर्ट। धन्यवाद।